हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस फॉर टुमारो। तो जैसे एक्सपेक्टेड था, हमने निफ्टी में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखी। ऊपर के लेवल से हम जो है तो आज लगभग 170 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं 17728 पे, लगभग 730 के अराउंड, लगभग 1% नीचे बंद हुआ है निफ्टी। तो जैसे मैंने कहा था कि ऊपर के लेवल पे जो है तो अच्छा खासा सप्लाई आएगा मार्केट में, और यहाँ जो है तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा जो व्यू रहेगा वो बेयरिश रहेगा। तो जिन्होंने शॉर्ट किया होगा उन्हें जो है तो ओपनिंग पे ही अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। बीच में भी एक बाउंस बैक मिला था आपको इंट्राडे में, वहाँ भी अगर शॉर्ट करते तो भी आपको अच्छा खासा मुनाफा एट लास्ट मिलता था अगर आप शॉर्ट साइड रहते तो। इंट्राडे में हमें बाइंग की भी मौके मिले क्योंकि नीचे खुलने के बाद निफ्टी ने थोड़ी सी रिकवरी भी दिखाई थी। तो चलो शुरू करते हैं एनालिसिस। फर्स्ट स्टार्ट विद वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि इस वीक की शुरुआत जो है तो नेगेटिव क्लोजिंग के साथ शुरू हुई है, तो ये शायद आगे कंटिन्यू हो सकती है। यहाँ जो है तो हम 1% नीचे ट्रेड करते हुए देख रहे हैं, और यहाँ जो है तो क्लियरली टॉप बन चुका है ऑन वीकली चार्ट। ऑन डाउन साइड जो है तो मुझे लगता है कि निफ्टी जो है तो धीरे धीरे 17200 और 16900 के लेवल की तरफ बढ़ सकता है। मेजर सपोर्ट जोन जो है वीकली चार्ट पे वो 16650 का है, जो 50 वीक का एवरेज है, तो उसके तरफ फिर से हम जो है तो धीरे धीरे बढ़ सकते हैं मीडियम टर्म में। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने जो है तो शुरुआत अच्छी की थी इस महीने की, ऊपर के लेवल जो है तो ऊपर के टारगेट अचीव किए, और अभी धीरे धीरे जो है तो हम सपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, और हो सकता है कि हम पीवॉट का लेवल भी टच करते हुए देखेंगे शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। तो यहाँ निफ्टी में जो है तो आप देख सकते हो कि इस हफ्ते का जो पीवॉट है वो 900 के अराउंड है, तो यहाँ बाउंस बैक भी आ सकता है उसके तरफ। तो आपको यहाँ सेल ऑन राइज व्यू रखना है निफ्टी पे, हम जो है तो आपको सेफली सेल करना है निफ्टी को, तो 17900 या उसके ऊपर सेल करना है। 100 से 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस नीचे जो है तो मुझे लगता है कि आप निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हो 17650 और लगभग 17550 के लेवल आपको इस हफ्ते देखने को मिल सकते हैं। और ये हफ्ता जो है तो छोटा हफ्ता है, हमारी एक्सपायरी वेंसडे के दिन ही है, बुधवार के दिन, तो और उसके बाद में जो है तो छुट्टियां हैं, तो यहाँ थोड़ा सा वोलेटाइल रह सकता है मार्केट। मगर आपको अगर सेफली शॉर्ट करना है मार्केट को तो 900 के अराउंड करना है विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। आपके जो टारगेट रहेंगे वो टारगेट रहेंगे 17650 और 17550। अगर ये टारगेट इसी हफ्ते नहीं आए तो अगले हफ्ते आपको देखने को मिल सकते हैं, या फिर हो सकता है कि मार्केट पहले वो लेवल टच करे और वहाँ से फिर बाउंस बैक आए 900 की तरफ। तो कौन सा लेवल पहले आता है वो देखना होगा। अगर नीचे के लेवल पे मिलता है तो मुझे लगता है कॉन्ट्रा लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए, जो उसका टारगेट रहेगा 17900, मगर वो भी आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लेना पड़ेगा। और लॉन्ग साइड के ट्रेड यहाँ से जो है तो वो हाई रिस्क रहेंगे, तो हाई रिस्क मतलब उसके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो दोनों तरफ ट्रेड कर सकते हो, मगर 900 के करीब अगर हमें मार्केट मिलता है तो हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। टारगेट रहेंगे 17650 और उसके बाद में 17550 के ऑन फ्यूचर। अभी देखते हैं आवरली चार्ट। तो आवरली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हम जो है तो गैप डाउन ओपनिंग दी थी, उसके बाद में जो है तो हमने लो लगाया लगभग 17690 के अराउंड, वहां से फिर एक बाउंस बैक आया जो 17830 तक गया, जो हमने इंट्राडे में हमारे जो प्रीमियम सर्विस सब्सक्राइबर हैं उनको ये लॉन्ग कॉल दिया था, जो हमने इंट्राडे में ही बुक कर लिया। हमने 700 के अराउंड बाय किया था निफ्टी, और 820 के अराउंड जो है तो हम उसमें से निकल चुके थे, क्योंकि यहाँ जो है तो ये आप देख सकते हो ये क्लियरली 830 जो है तो ये पीवोट का लेवल था, तो ये पीवोट को टच करने को आता ही मार्केट। अभी यहाँ जो है तो आवरली चार्ट पे आप देख सकते हो कि 17650 ये पिछले वीक का 17650 ये पिछले वीक का जो है तो लोअर लेवल है, पिछला वीक का लो है, तो मुझे लगता है अगर उसके नीचे जाते हैं हम और 17550 या 650 के अराउंड अगर निफ्टी मिलता है तो एक कॉन्ट्रा लॉन्ग ले सकते हो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, जिसका टारगेट रहेगा 17900, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ जो है तो ओवरसोल्ड हो जाएगा मार्केट, और वहाँ जिन्होंने भी ट्रैप किया है शॉर्ट किया है उनको जो स्ट्रांग हैंड है वो ट्रैप कर लेंगे, और आपको एक शॉर्ट कोरिंग रैली देखने को मिल सकती है 17900 की तरफ। तो मेरी सलाह रहेगी कि 17550 600 के अराउंड बाय करना है निफ्टी को,
स्टॉप लॉस आपको 100 पॉइंट का रखना पड़ेगा, टारगेट रहेगा 17900। अगर 17900 पे के अराउंड मिलता है मार्केट, अगर मार्केट 17900 के अराउंड मिलता है तो भी हम शॉर्ट जाएंगे, और वहाँ जो है तो एक थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा उस सिचुएशन में लगभग 18000 के ऊपर स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, और जो टारगेट रहेंगे वो 17650 और उसके बाद में 17550 के टारगेट हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ जो है तो 17555 जो है तो ये पिछले महीने का हाई था, अगर उसके नीचे जाते हैं हम तो एक डीपर करेक्शन भी निफ्टी में देखने को मिल सकता है, जिसके टारगेट जो है तो 17400 तक हो सकते हैं, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ जो है तो दोनों तरफ के आपको मौके मिलेंगे, सिर्फ आपको लेवल पे खेलना है, वो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ वोलेटिलिटी रहेगी न्यूज़ फ्लो के बेस पे। तो यहाँ जो है तो जो वीक हैंड है या फिर जिनके पास रिस्क पोटेंशियल नहीं है उन्हें सिर्फ वेट एंड वॉच करना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडर के लिए सलाह रहेगी, अगर 17900 पे मिलता है तो इन द मनी पुट ऑप्शन खरीदिए, अगर 17550 पे मिलता है तो इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीद के जाइए, आपको जो है तो अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा, और वो भी आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही करना है। अगर फ्यूचर पे आपको 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, अगर पोजीशन फ्यूचर में आपके अगेंस्ट 100 पॉइंट चली जाती है तो ऑप्शन में जो भी लॉस हो रहा होगा आपको वो लेकर निकल जाना पड़ेगा। तो यहाँ दोनों साइड के मौके मिलेंगे, मुझे लगता है कि हमें ऊपर और दोनों तरफ मूव जो है तो देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। अगर 550 के अराउंड मिलता है तो हम लॉन्ग करेंगे, 550-600 के अराउंड लॉन्ग करेंगे, और 900 के अराउंड मिलता है तो हम शॉर्ट करेंगे विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इंट्राडे और पोजिशनल प्रीमियम कॉल्स चाहते हो विद हायर एक्यूरेसी और इंट्रा जो लाइव मार्केट फॉलोअप और सपोर्ट के साथ, तो आप मेरी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, तो उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।